कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग पर अमरीकी और चीन फिर से आमने सामने आ गए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के एक एक दर्जन से जायद सहाफियों को मुल्क बदर कर दिया। अमरीका की तरफ से वीजा पॉलिसी में तरमीम के बाद एक दर्जन के करीब चीनी सहाफियों को मुल्क बदर करने के इकदाम के जवाब में चीन ने तकरीबन एक दर्जन अमरीकी सहाफियों को मुल्क बदर करते हुए कहा है कि बीजिंग इसका कड़ा जवाब देगा। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने वीजा पॉलिसी में तरमीम करते हुए चीनी सहाफियों को सिर्फ 90 दिन के क्याम का तरीकाकार रोशनास करवाते हुए मशरूत किया है कि इसमें तौसी हो सकती है। इससे काबिल चीनी सहाफी अपनी मुद्दत मुलाजमत तक अमरीका में रह सकते थे। उधर चीनी वजीर खारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अमरीकी इकदाम तसल्ली बख्श और इंतहाई इकदाम है। इससे कशीदगी बढ़ेगी और चीनी सहाफियों की बेदखली का इकदाम सियासी क्रैकडाउन है। उन्होंने अमरीकी सदर के अमरीका चीन तजारत के नए टैरिफ का भी हवाला दिया है। सहाफियों की मुल्क बदरी कोरोना वायरस रिपोर्टिंग से शुरू हुई है।